चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तट से टकरा चुका है। इस दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। चक्रवाती तूफान रेमल के असर की वजह से भारी बारिश हुई, जिससे घरों और खेतों में पानी भर गया। रेमल ने कमजोर घरों को काफी नुकसान पहुंचाया। तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे भी गिर गए। सुंदरवन के गोसाबा इलाके में मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया। रेमल की वजह से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। रविवार रात 8:30 बजे पड़ोसी देश में मोंगला के दक्षिण पश्चिम के पास सागर द्वीप और खेपूपारा के बीच पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निकटवर्ती तटों पर लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई। IMD के अनुसार चक्रवात रेमल कुछ और समय तक लगभग उत्तर की ओर और फिर उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा और आज सुबह तक धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। IMD के अनुसार चक्रवात रेमल कुछ और समय तक लगभग उत्तर की ओर और फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और उसके बाद कमजोर हो गया। सोशल मीडिया पर लोग कई वीडियोस भी पोस्ट कर रहे हैं जिनमें तूफान का रौद्र रूप देखा जा सकता है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के आने से पहले विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया और जिला प्रशासन को अग्रिम एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार चक्रवात रेमल के रविवार आधी रात को तट पार करने की संभावना जताई गई थी। इस कारण पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपूपारा के बीच लैंडफॉल होने का अनुमान जताया गया था। चक्रवात केंद्र के आसपास 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। बाहरी बादल बैंड बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों पर स्थित है, जिससे भारी बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार रविवार देर रात कहा गया कि चक्रवात कोलकाता डॉपलर मौसम रडार की लगातार निगरानी में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम सरकारों ने अलग अलग सलाह जारी की और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों को अधिकतम सतर्क रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। असम सरकार ने चक्रवात रेमल के कारण बारिश और हवा की गति में वृद्धि की संभावना के मद्देनजर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय किए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि IMD ने 28 और 27 मई को असम के साथ साथ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ASDMA ने एक बयान में कहा कि धुबरी, दक्षिण सलमारा, नागांव, हुजई और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और कुछ और जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान रेमल के रविवार आधी रात तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में पहुंचने के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि रेमल के पहुंचने की प्रक्रिया 4 घंटे तक जारी रहेगी और इसका केंद्र रात 8:30 बजे समुद्र तट से लगभग 30 किलोमीटर था। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, चक्रवात ने बांग्लादेश की मोंगला के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से होते हुए भारत की पश्चिम बंगाल तट को पार करना शुरू किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने तटीय और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 1,10,000 लोगों को निकाल लिया था और उन्हें आश्रय गृहों, स्कूलों और कॉलेजों जैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। अधिकारी ने कहा, तटीय क्षेत्रों से 1,10,000 लोगों को सुरक्षित आश्रयों में स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन लोगों में से एक बड़ी संख्या दक्षिण 24 परगना जिले, विशेष रूप से सागर द्वीप, सुंदरबन और काक द्वीप से है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में कमजोर इमारतों, बिजली और संचार की लाइन, कच्ची सड़कों, फसलों और बगीचों को बड़ी क्षति पहुंचने की चेतावनी दी। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को घर के अंदर रहने और कमजोर इलाकों से और इमारतों से दूर रहने की सलाह दी गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF की 14 टीम को कोलकाता उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा और हुगली सहित दक्षिण बंगाल के जिलों में तैनात किया गया। राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन बल की टीम भी तैयार रखी है। चक्रवात को देखते हुए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एहतियात के तौर पर दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिले के तटीय जिलों में कई ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी।